हड्डा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश कायम करने के लिए लगातार चल रहे अभियान के तहत एसपी कुशीनगर विनोद कुमार मिश्रा के निर्देश में आज संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे क्रॉसिंग कोरोना के पास जाली नोट लाने की सूचना पर अभियुक्त नबी उल्लाह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 74,000 के जाली नोट बरामद भी किए हैं। थाना खड्डा क्षेत्र में सूचना मिल रही थी कि देश विरोधी गतिविधि में कुछ लोग लगे हुए हैं और इस कड़ी में स्वाट टीम को लगाया गया था और थाना खड्डा की फोर्स लगी थी। एक व्यक्ति नबीउल्लाह नाम का, जो जनपद महाराजगंज का रहने वाला है, वो बिहार से नकली नोट ले आ रहा था और उसे गिरफ्तार किया गया है। कुल उसके पास से 37,000 के नोट बरामद हुए हैं। नोटों का निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि ये नोट जैसे पहले पकड़े गए थे वो स्थानीय रूप से छापे जा रहे थे कागज और प्रिंटर के माध्यम से, उन नोटों से भिन्न नोट हैं ये और इन ये हूबहू असली नोट जैसे ही हैं। वाटरमार्क और थ्रेड, सिक्योरिटी थ्रेड और सफ़ेद हिस्से में गांधी जी की मूर्ति सब स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई पड़ रही है और ये पता चला है कि ये संभवतः ISI के द्वारा जो जाली नोट फैला करके देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के प्रयास किए जाने की बात प्रकाश में सुनाई पड़ी है और उसी की कड़ी का ये अंग हो सकता है।